नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान में हम प्लूटो के बारे में पढ़ रहे थे, प्लेटो। आज हम प्लेटो के साम्यवादी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, आज हम प्लेटो के साम्यवादी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो ने साम्यवाद के अपने विचार रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्रस्तुत किए थे। साम्यवादी विचार रिपब्लिक पुस्तक में मिलते हैं। प्लेटो साम्यवाद के माध्यम से दार्शनिक और सैनिक पर सैनिक वर्ग पर साम्यवादी सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत करने के पीछे उद्देश्य यह है कि जो दार्शनिक और सैनिक वर्ग जो राज्य का प्रशासन और राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनको निजी संपत्ति और परिवार से अलग रखना है। निजी संपत्ति और परिवार से इन दोनों वर्गों को, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, दोनों वर्गों को निजी संपत्ति और परिवार से अलग रखने के लिए प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर राज्य की शासन व्यवस्था संचालन और राज्य की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दायित्व है। जब ये दोनों वर्गों के पास निजी संपत्ति और परिवार रहेंगे, तो उन्हें मोह और तृष्णा, परिवार का मोह और संपत्ति की तृष्णा उनके विचारों में आ जाएगी, जिनके कारण वो राज्य का शासन संचालन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इन्हीं चीजों से बचाने के लिए प्रशासन वर्ग को इन्हीं मोह और तृष्णा जैसे विकारों से बचाने के लिए प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब हम प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं पढ़ेंगे। प्लेटो की साम्यवाद की विशेषताएं। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं। पहला विचार है, प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया वो अर्ध साम्यवाद है। प्लेटो के साम्यवाद की पहली विशेषता है, प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। यानी अगर आप आधुनिक साम्यवाद की साम्यवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो यह संपूर्ण समाज के ऊपर लागू होता है, लेकिन जो प्लेटो ने साम्यवाद का जो मॉडल दिया है या साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया है वो केवल दार्शनिक और सैनिक वर्ग, प्लेटो ने राज्य में कुल तीन वर्गों का उल्लेख किया है, दार्शनिक वर्ग होगा, सैनिक वर्ग होगा और उत्पादक वर्ग होगा। लेकिन जो प्लेटो का साम्यवाद है ये दो वर्गों के ऊपर लागू होता है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। उत्पादन वर्ग साम्यवाद के दायरे से अलग है। उत्पादन वर्ग में किसान, मजदूर, व्यापारी, शिल्पकार ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके ऊपर साम्यवादी सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसलिए प्लेटो की साम्यवाद की जो पहली विशेषता है
प्लेटो का साम्यवाद कैसा है? अर्ध साम्यवाद, यानी समाज के कुछ वर्गों के ऊपर ही ये लागू होता है, इसलिए प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है। दूसरी विशेषता है राज्य में एकता की स्थापना। प्लेटो साम्यवाद के सिद्धांत से राज्य में एकता की स्थापना करना चाहते हैं। एकता की स्थापना, प्लेटो साम्यवाद के सिद्धांत से राज्य में एकता की स्थापना करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कंचन और कामिनी कंचन का होता सोना, कामिनी का होता सुंदर स्त्री, इन दोनों चीजों से दार्शनिक वर्ग को अलग रखने के विचार प्रस्तुत करते हैं। ये दोनों चीजें व्यक्ति को अपने कर्तव्य से भ्रष्ट कर देते हैं और प्लेटो राज्य में एकता स्थापित करने के लिए कंचन और कामिनी से दार्शनिक वर्ग को अलग रखकर जन कल्याण के लिए शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए दार्शनिक वर्ग को प्रेरित करने का काम करते हैं, ताकि राज्य की एकता हमेशा के लिए बनी रहे। इसलिए प्लेटो दार्शनिक और सैनिक वर्ग को कंचन और कामिनी से अलग रखना चाहते हैं। तीसरी विशेषता है उत्पादक वर्ग संपत्ति का स्वामी। उत्पादक वर्ग संपत्ति का स्वामी, अगर हम आधुनिक साम्यवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो वो व्यवस्था राज्य के सभी वर्गों के ऊपर समान रूप से लागू होती है। साम्यवाद का अर्थ क्या होता है? साम्यवाद का अर्थ कि उत्पादन के साधनों पर राज्य या संपूर्ण समाज का आधिपत्य स्थापित हो, जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन राज्य की स्थापना करने के पक्ष में होता है। लेकिन जो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल दो वर्गों को, दार्शनिक और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार रखने से वंचित करता है, बल्कि उत्पादक वर्ग को संपत्ति और निजी परिवार की अनुमति प्रदान करता है। तो इसकी तीसरी विशेषता है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो उत्पादक वर्ग को संपत्ति रखने का समर्थन करता है, जबकि साम्यवाद आधुनिक साम्यवादी सिद्धांत में इस तरह का सिद्धांत लागू होता है वो राज्य के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन प्लेटो का साम्यवाद एक अनोखा साम्यवाद है, तो कुछ वर्गों को तो संपत्ति और परिवार से अलग रखते हैं और कुछ वर्ग को संपत्ति और परिवार का मालिक बनाने का सिद्धांत प्लेटो प्रस्तुत करते हैं। अगली विशेषता है चौथी विशेषता, न्याय की पूरक व्यवस्था। न्याय की पूरक व्यवस्था, प्लेटो अपने राज्य में न्याय की स्थापना के लिए साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवादी सिद्धांत को अनिवार्य रूप से स्वीकार करते हैं। उनकी मान्यता है कि आदर्श राज्य में अगर न्याय की स्थापना करनी है तो हमें साम्यवादी सिद्धांत को अपनाना ही होगा, और प्लेटो अपने आदर्श राज्य के अंदर राज्य के न्याय के मार्ग में तीन मुख्य समस्याएं मानते हैं। वो तीन समस्याएं हैं अज्ञान, निजी संपत्ति और परिवार। इस तरह प्लेटो इन तीन समस्याओं के आधार पर समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने के पक्षधर रहे हैं। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से अज्ञान को खत्म कर सकते हैं, लेकिन निजी संपत्ति और परिवार को साम्यवाद से दार्शनिक राज्यों से अलग करने के लिए हमें साम्यवादी सिद्धांत को अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए इन तीनों समस्याओं का समाधान करने के लिए अज्ञान को शिक्षा से मिटाने के पक्षधर थे, निजी परिवार और निजी संपत्ति को खत्म करने के लिए प्लेटो साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपनाने के पक्ष में थे।
प्लेटो की मान्यता है कि जब दार्शनिक वर्ग के पास निजी संपत्ति और परिवार नहीं होगा तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का मोह और तृष्णा जैसे विचार नहीं आएंगे और वो राज्य में न्याय का निष्पक्ष लेने देने का कार्य करेंगे। इसलिए प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए साम्यवादी सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं और ये तीनों एक तरह से बाधाएं जो न्याय के क्षेत्र में आती है उनको शिक्षा और साम्यवाद से खत्म करने का प्रयास करते हैं। पांचवी विशेषता है राजनीतिक साम्यवाद। राजनीतिक साम्यवाद आधुनिक साम्यवादी जो सिद्धांत होता है वो आर्थिक विषमताओं को खत्म करने के लिए लागू किया जाता है। किसी भी राज्य में अगर आर्थिक विषमता है, गरीबी और अमीरी के बीच की दूरियां अगर अलग है उनको खत्म करना है तो साम्यवादी सिद्धांत को अपनाया जाता है। लेकिन प्लेटो ऐसे विचारक है जो आर्थिक क्षेत्र में साम्यवाद को लागू नहीं करते, कौन से क्षेत्र में साम्यवाद को लागू करते हैं? राजनीतिक क्षेत्र में, और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए ही प्लेटो साम्यवादी विचार का सहारा लेते हैं। जबकि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक क्षेत्र में लागू होता है जिसमें एक तरह से सार्वजनिक उत्पादन के जो साधन होते हैं उनमें समाज के सभी वर्गों का या राज्य के केंद्र में वो उत्पादन के साधन होते हैं और उसी आधार पर आर्थिक विषमता को खत्म करने का काम किया जाता है। लेकिन प्लेटो का साम्यवाद अनोखा साम्यवाद है जो एक तरह से इन राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए वो राजनीतिक साम्यवाद का सिद्धांत लागू करता है जो आधुनिक साम्यवाद से बिल्कुल हटकर विचार है। ये थे प्लेटो के साम्यवादी संबंधी विचार। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लेटो के साम्यवाद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।